रेलवे कर्मचारी हुए रेलवे दुर्घटना के शिकार। हीरा लाल और प्रेमचंद ड्यूटी कर रहे थे, तभी वहां शंटिंग इंजन के आ जाने पर दोनों दुर्घटना के शिकार हो गए। इसमें हीरा लाल को 33 टांके आए और प्रेमचंद की आंतरिक चोटों के साथ जबड़ा भी फ्रैक्चर हो गया। यह बड़ा गंभीर मामला है कि ऐसी घटना भारतीय रेलवे में हर रोज कहीं ना कहीं घटती रहती है। आज गुना डिपो के सभी ट्रैकमैन कर्मचारियों द्वारा उन लोगों के विरोध में प्रदर्शन किया जिनकी अनियमितताएं की वजह से ऐसी घटना घटित हुई। सभी कर्मचारियों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी के समक्ष गुना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन भी हुआ। ट्रैकमैन कर्मचारियों का कहना है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मालगाड़ी जाने के पहले हम इंजन गया और वो इंजन ने हॉर्न नहीं मारा। हम जो काम कर रहे थे कोई हॉर्न वगैरह नहीं मारा और वो तो एकदम हम लोगों से इंजन चढ़ा के और चला ही गया। कौन सी गाड़ी थी वो? ये ग्वालियर। अच्छा, गुना ग्वालियर। कितने बजे की घटना थी ये? तो आप लोग काम कर रहे थे वहाँ? कितने लोग घायल हुए हैं? दो ही थे। किस जगह पे हुआ ये? नहीं, किस जगह पे, किस जगह, जगह कौन सी थी हादसा हुआ है यहाँ? बांस काली, बांस खेड़ी के पास। फिर आप लोग कौन ने पहुंचाया अस्पताल तक? डिपार्टमेंट। आपको कितनी चोट आई है? ये घटना हुई है जो घुमा की तरफ से मोहन की तरफ गाड़ी जा रही थी मालगाड़ी और जो ये ग्वालियर से आया साइड से वो आगे कसी कराती है उसका इंजन आया उसका इंजन है जो इधर आया बात छोड़ी की तरह बात छोड़ी उसने वापस लौटा ना उनने अरे हॉर्न दिया ना कुछ दिया पीछे से चक्कर में। आप लोगों को कितनी चोट आई है? चोट मेरी सीट पे आई है सर पे आई है इसमें आई है चक्कर हो गया। मतलब इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? ड्राइवर की? ड्राइवर की मानते। अधिकारियों को बताया ना कि भाई ये वारदात हो गई है दो मतलब कि मैन रन ओवर हो गए हैं उनकी सूचना दे दी गई थी सभी अधिकारियों को लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ड्राइवर का नाम अपराध कबूल नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर कौन है? ड्राइवरों का नाम मालूम नहीं है। ओपन नहीं आ रहे ना। अच्छा, आपने आरपीएफ में शिकायत की? आरपीएफ में सर अभी क्या हमारा काम होता है अधिकारियों को सूचना देना। प्रशासन का अवगत कराया तो उन्होंने कोई आगे कार्रवाई नहीं की। कल दो हीरा लाल पिताजी केसरिया और प्रेमचंद बाबूलाल जो टीम मैन की ऑन ड्यूटी कर रहे थे 3 बजे के लगभग यार्ड में संटिंग इंजन और के दौरान बिना हॉर्न दिए संटिंग जो स्टाफ है वो अपनी गलती भी कबूल नहीं करता और पीछे से टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया। 30-35 लगभग उसके सिर में टांके आए लगातार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक कोई रेल प्रशासन ने आश्वासन कार्रवाई करने का कबूल गलती करने नहीं मान रहा है। हमारे ट्रैकमैनों के साथ लगातार शोषण होता जा रहा है। तो आप ये इंटरसिटी रोकने आए थे? आप ये हम लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखे रोकने नहीं आए। हमारा काम है हमारे ट्रैकमैन को इंसाफ दिलाया जाए। हमको किसी को रोकने किसी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यदि मान लो किसी को जो लगी है